अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने थोड़े दिन तक यूनिवर्सिटी जाना है काम से, लेकिन जाया ही नहीं जा रहा। और इसी वीक मेरी कॉन्वोकेशन भी है, और कॉन्वोकेशन में पहनने के लिए मैंने जो सूट लिया हुआ है वो अभी तक मैंने सिलाई नहीं करवाया। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपना सूट निकाला और नाप निकाल के रखा, फिर मैं ऊपर चली गई। ऊपर गई तो आज संडे था, तो मम्मा ने मशीन लगाई हुई थी। कल भी मम्मा ने छुट्टी की थी, तो कल सारा दिन मम्मा ने रज़ाइयाँ वगैरह पेटियों में रखी थी। कुछ काम वो भी रहता था थोड़ा सा, और बाकी आज मम्मा ने मशीन लगानी थी, कपड़े वगैरह धोने थे, तो मम्मा वो काम कर रही थी। मैंने आके देखा किचन में खाने के लिए क्या क्या है। नाश्ते में रोटियाँ मम्मा ने बना के रखी हुई थी, चाय सालन भी बना हुआ था। तो मैंने सबसे पहले चाय गर्म की, फिर मैंने सालन गर्म किया। सालन वही जो मैंने कल आप लोगों के साथ भी लोगों में शेयर किया था। आलू बैंगन पकाए थे, लेकिन आलू बैंगन में ना मिर्चें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फ्रिज से मैं दही निकाल के लेके आई, अंडा निकाल के लेके आई, फिर मैंने अपने लिए एक अंडा भी फ्राई किया नाश्ते में। फिर मेरी एक छोटी सी कज़न आई हुई थी, मुझे कहती है मैंने भी आपके साथ नाश्ता करना है। फिर हम दोनों ने मिल के नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर मैंने बर्तन उठाए, इन बर्तनों को धो के रखा इनकी जगह पे। कल वाली आंटी फिर आ गई हुई थी काम अपना कंप्लीट करने के लिए, और मम्मा कपड़े धो रही थी। फिर मैं नीचे आ गई, नीचे आई तो मैंने थोड़े दिनों तक तो शादी पे जाना है, उसके साथ मैंने ये इयरिंग्स पहने थे, जो ड्रेस मैंने सोचा हुआ है। ये एक इसका जो इयरिंग है वो थोड़ा सा टूट गया था, इसको मैंने ग्लू के साथ जोड़ा। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, फिर मैं जब दोबारा ऊपर गई तो मम्मा ने कपड़े धो लिए हुए थे। फिर अब मेरी बारी थी कपड़ों को ड्राई करने की। फिर मैंने ये सारे कपड़े ड्रायर में डाले, ड्राई करके फिर मैं इनको ले गई छत के ऊपर। छत के ऊपर जाकर मैंने इन कपड़ों को फैलाया, जो कपड़े रह गए थे वो फिर मैं नीचे भी एक वायर लगाई हुई है उसके ऊपर वो कपड़े डाले। सारा दिन लग के ये कपड़ों वाला काम हुआ है। ये कपड़े ड्राई करते करते दोपहर हो गई थी, फिर मुझे दोबारा भूख लग गई। वैसे भी आजकल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। डाइट जब दो चार दिन कर लूँ उसके बाद तीसरे दिन मुझे ऐसी ज़्यादा भूख लगती है। फिर फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ था और कोई सब्ज़ी तो थी नहीं, फिर मैंने जल्दी जल्दी से चिकन का सालन बनाया। ये भी मेरी इंस्टेंट रेसिपी है। प्याज लहसुन अदरक टमाटर जो कुछ भी सब्ज़ी में डालना है वो सारा कुछ डाल के साबित ही उसको थोड़ा सा फ्राई करके, जैसे उसका कलर थोड़ा थोड़ा सा पिंक हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें। फिर वो जो ऑयल में से जिसमें से निकाला उसी में ये सारा कुछ डाल के तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करें। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी भी डाल के तो जो उसके साथ मटेरियल लगा हुआ वो भी उतार लें। इसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड कर दें, जब इसमें से पानी थोड़ा सा जो हमने डाला था वो खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो मैंने जो चिकन था ये मैंने धो के रखा हुआ था फ्रिज में, और ये फ्रिज हुआ था तो मैंने इसको डाल के कवर करके रख दिया, ताकि जैसे ही इसको थोड़ा सा सेक लगे तो चिकन की बोटियाँ इसमें से अलग अलग हो जाए। इस स्टेज पे इसके ऊपर जो भी मसाला ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा और सूखा धनिया, सारा कुछ इसमें डाल के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस इसको फ्राई कर लें। सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब थोड़ी देर तक मैं 10-15 मिनट के लिए रखूँगी तो तब तक ये पक जाएगा। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।